हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे हमें रिवर्सल के इंडिकेशन मिले हैं. दोस्तों जब भी हम इसका शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देखते हैं तो स्टॉक तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है शॉर्ट टर्म में यानी कि लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है लेकिन एक जब भी डाउन ट्रेंड में रहता है तो एक ऐसी जगह चार्ट पे रहती है कि जिसे हम सपोर्ट कहते हैं और अगर वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और वहां पर अगर हमें रिवर्सल के कोई इंडिकेशन मिलते तो और मान लीजिए रिवर्सल के इंडिकेशन मिलने के बाद वाकई में उसमें रिवर्सल बनता है तो एक सही जगह पे हमारी एंट्री हो जाती है क्योंकि वहां से स्टॉप लॉस नजदीक रहता है और हमारा टारगेट एक डिस्टेंस के साथ रहता है यानी कि दूर रहता है तो रिस्क बड़ा अच्छा खासा मिलने की संभावना रहती है तो उसी तरह के सिचुएशन में ये स्टॉक हमें दिख रहा है आगे जाकर अगर इसमें वाकई में रिवर्सल बनता है तो हमें लग रहा है कि अगर ये एक पैटर्न में यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में स्टॉक अभी तो ट्रेड कर रहा है हमें लग रहा है कि आगे जाकर ये चैनल को ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट जैसी भी सिचुएशन इसमें बन सकती है और जो सपोर्ट पे जो स्विंग लोज बन रहे हैं वो भी एक अच्छी तरह से स्विंग लो पे रिवर्सल का इंडिकेशन दिखा रहा है तो आगे जाकर ब्रेकआउट बनता है तो ब्रेकआउट के हिसाब से भी हमें इसमें प्राइस एक्शन नजर आ रही है स्विंग लो पे भी नजर आ रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी हमें अच्छा खासा नजर आ रहा है और उसी के साथ फाइनल हम इस पर डार्वर्स बॉक्स इंसर्ट करेंगे तो डार्वर्स बॉक्स के हिसाब से भी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है तो कुल मिलाकर हमें यह स्टॉक में बाइंग के मौके नजर आ रहे हैं अभी स्टॉक कौन सा है किस तरह से सिचुएशन दिख रही है स्टॉक सिलेक्शन के पीछे का रीजन क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए

दोस्तों अगर आपको AWS में डिमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां से आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो चलिए अभी यहाँ पे आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं दोस्तों आज के दिन के लिए हमने जो भी स्टॉक सिलेक्ट किया है उसका नाम है यम एंड यम का तो यम एंड एम का हमने डेली कैंडल स्टिक चार्ट ओपन किया है दोस्तों अगर आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम देखने में दिक्कत आ रही होगी तो ये वीडियो के टाइटल में आप स्टॉक का नाम देख सकते हैं तो पहले हम देख लेते हैं कि रिवर्सल के हिसाब से सपोर्ट के हिसाब से हमें इसमें किस तरह से प्राइस एक्शन नजर आ रही है तो यहाँ पे मैं किस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्कआउट करता हूं अभी जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मार्कआउट किया अगर हिस्टोरिकल चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो चार्ट पे आपको दिखेगा कि जब भी इतना देख लेते हैं जब भी ये स्टॉक नीचे था तो ये लेवल के आसपास जाने के बाद उसमें गिरावट आ रही थी यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरावट आ रही थी ये लेवल आप देख सकते हो और एक बार जैसी उसमें ब्रेकआउट हुआ तो वहां पे फिर वही लेवल सपोर्ट वर्कआउट होने लगे और स्टॉक में आप परसेंड में प्राइस एक्शन आना शुरू हो गई और फिर यहाँ पे आप देख सकते जैसी फिर से इसे ब्रेकडाउन मिला स्टॉक बहुत सारा नीचे चला गया रिसेंटली भी अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म के चार्ट पे तो भी आपको दिखेगा कुछ विपसॉ भी चार्ट पे बन रहा था यह वीपसॉ भी बन रहा था लेकिन डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि एक बार ऊपर जाने के बाद फिर वही लेवल को सपोर्ट वर्कआउट करके उसमें अपर साइड में मूवमेंट आ रही थी और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने सपोर्ट सपोर्ट लिया यहाँ पे लिया पे पे और फिर भी फिर भी से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से सपोर्ट लेकर अपर साइड में जाने की इंडिकेशन दिखा रहा है तो ये रिवर्सल के हिसाब से हो गया राइट right? अभी यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड क्या चल रहा था यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न चल रहा था और सपोर्ट पे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो आ, ये ये एक बॉटम आप देख सकते हैं ये बॉटम देख सकते हैं ये भी बॉटम देख सकते हैं हालांकि इक्वल बॉटम एक्सैक्टली वही पॉइंट पे नहीं है लेकिन ये एरिया ऑफ सपोर्ट पे जाने के बाद उसमें रिवर्सल बन रहा है तो हम इसे ये दोनों को कंसिडर करेंगे तो डबल बॉटम बन जाता है ये तीनों को भी कंसिडर करेंगे तो ट्रिपल बॉटम भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं जो कि एक्जैक्टली इक्वल बॉटम नहीं है लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि आ, आ, जो एरिया ऑफ सपोर्ट है वहां पे आने के बाद एक बॉटम बनाने के बाद उसमें रिवर्सल बन रहा है राइट और इसे हम अगर स्विंग कंसिडर कर लेते हैं तो स्विंग के हिसाब से भी अगर हम कहेंगे तो स्विंग हाई स्विंग लो बन गया फिर यहाँ पे स्विंग हाई फिर स्विंग लो फिर स्विंग हाई स्विंग लो राइट फिर यहाँ पे स्विंग हाई और ये स्विंग लो अब ये स्विंग जो बन रही है कभी कभी बड़े वाले स्विंग बन रहे हैं हाइट है इसके आप ज्यादा देख सकते हैं और यहाँ पे कम हाइट के साथ स्विंग बन रहे थे लेकिन डेफिनेटली ये स्विंग के हिसाब से भी हमारे ट्रेंड लाइन के हिसाब से सपोर्ट लेकर रिवर्सल के इंडिकेशन दिखा रहा है अभी ब्रेकआउट के हिसाब से हम देखेंगे तो ये अभी जैसे कि मैंने कहा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है तो इस तरह से हम कैजली मार्कआउट कर देते हैं और यहाँ पे भी मैं इस तरह से इसे मार्कआउट कर देता हूँ तो ये जो लेवल से अगर हम इसे कंसिडर करेंगे तो इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड करा है जब भी नीचे वाली लाइन पे आता है तो वहां पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और ऊपर वाली लाइन पे हिट करके फिर उसमें डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आती है तो इसे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल भी कह सकते हैं और इन बिटवीन अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेकर अभी रिवर्सल की इंडिकेशन दिखा रहा है अगर ये आगे जाकर वाकई में रिवर्सल बनता है और ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देता है तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का भी ब्रेकआउट बन जाएगा और अगर उसको ब्रेकआउट देगा आगे जाकर तो डेफिनेटली हम अच्छी खासी मूवमेंट अपवर्ड साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो ये ब्रेकआउट के हिसाब से भी हो गया लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट बनना बाकी है अभी ये पैटर्न के अंदर ट्रेड करा लेकिन जो भी प्राइस एक्शन चार्ट पे दिख रही है हमें लग रहा है कि आगे जाकर ये ब्रेकआउट भी दे सकता है तो इसे हम रडार पे रख सकते हैं अभी फाइनली मैं इसे राइट क्लिक करके यहाँ पे डारवर्स इंसर्ट करता हूँ डार्वस बॉक्स के हिसाब से हम देख लेते हैं दोस्तों अगर आपको डारवर्स बॉक्स की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ वहां से आपको डारवर्स बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डारबर्स बॉक्स के सपोर्ट के आने के बाद अब ये रिवर्सल के इंडिकेशन दिखा रहा है राइट right. तो हमें लग रहा है कि अभी ये डार्वर्स बॉक्स के सपोर्ट के हिसाब से हो गया और ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के हिसाब से भी हो गया अगर ये वाकई में सपोर्ट लेता और प्राइस एक्शन बनने लगती है और ये ट्रेंड लाइन को जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के ऊपर वाली ट्रेंड लाइन उसको ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली हमारे लिए फिर और भी इसमें अपसर की मूवमेंट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी मैं इसे निकाल देता हूं और फाइनली ये कुछ रीजन हो गए स्टॉक सिलेक्शन के पीछे के अभी हम देख लेते हैं अगर हम इसमें एंट्री करनी हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों कभी कभी क्या होता है हम स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ पे भी हमें बाइंग का मौका बन जाता है हम यहाँ पे एंट्री करते हैं टारगेट आने के बाद एग्जिट करते हैं वही स्टॉक अगर नीचे आता है फिर से हमें बाइंग के मौके बनते हैं अगर हम शॉर्ट टर्म के ट्रेड रहे तो, तो फिर से हम वही स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और फिर से हम टारगेट आने के बाद एग्जिट कर सकते हैं तो ऐसा नहीं कि ये स्टॉक में हमें यहाँ पे एंट्री मिली थी और यहाँ पे हमने एग्जिट किया था और फिर से यहाँ पे उसी स्टॉक में हम एंट्री मिल रही है तो उसे इग्नोर करेंगे ऐसा नहीं दोस्तों जब भी हम शॉर्ट टर्म के ट्रेड करते हैं तो एक ही स्टॉक में हमें मैक्सिमम टाइम पे एंट्री मिलने के मौके रहते हैं। हम वहाँ पे एंट्री भी कर लेते हैं टारगेट आने के बाद उसे प्रॉफिट बुक करके फिर एग्जिट भी करते हैं और फिर आगे जाकर फिर से स्टॉक हमें बाइंग के सिग्नल देता है तो फिर से हम उसे उसमें बाइंग के सिग्नल मिलने के बाद एंट्री करते हैं और शॉर्ट टर्म में टारगेट आने के बाद फिर से एग्जिट करते हैं तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं और यहाँ पे एक्जैक्टली exactly अगर आप देखेंगे तो ये फिर से हमें बाइंग के मौके दिखा रहा है और इसलिए हमने स्टॉक का सिलेक्शन किया है राइट तो मल्टीपल टाइम भी ये स्टॉक हमें बाइंग के सिग्नल दिखा सकता है कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होगा और कभी कभी टारगेट भी हिट होगा लेकिन हमें हमारा जो भी ट्रेडिंग सेटअप है उसके साथ ही हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे राइट right? तो ये स्टॉक सिलेक्शन के पीछे के कुछ रीजन हो गया अभी हम क्विकली देख लेते हैं अगर हम इसमें एंट्री करनी हो तो किस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं अभी ये करंट मार्केट प्राइस सेवन फोर्टी टू सेवन फोर्टी थ्री के आसपास ट्रेड कर रहा है हमें कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करना है तो हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे अगर यहाँ पे बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है तो कैंडल के हाई के ऊपर हम पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं अर्ली एंट्री करनी हो तो हम ये सेवन फोर्टी थ्री के आसपास भी हम अर्ली एंट्री कर सकते हैं अगर पोजीशन मिलती है तो नहीं तो आ, अगर वेट करके करना है तो ये बुलिश कैंडल का वेट कीजिए इसके हाई के ऊपर आप पोजिशन बना सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों यहाँ पे जो भी ये स्विंग लो बना था लगभग सेवन के आसपास तो सेवन के नीचे क्लोज आउट देगा तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा राइट टारगेट के लिए जो भी रिसेंट रेजिस्टेंस है वो आपके टारगेट रहेंगे जो 780 के आसपास पहला टारगेट हमें चार्ट पे दिख रहा है फिर अगर इसको ब्रेकआउट देता है क्लूजिंग बेसिस पे तो हमारा अगला टारगेट रहेगा 835 के आसपास तो इसी तरह से हम उसे ट्रेल पे लेके जाएंगे और अगले टारगेट जो भी चार्ट पे दिखते हैं वो हम ट्रेलिंग पे लेकर जा, जा सकते हैं और ट्रेलिंग जब तक हिट नहीं होती तब तक हम हायर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे कि अगला टारगेट एट सेवेंटी फाइव के आसपास है और फाइनल पे जो भी रेजिस्टेंस दिख रहा है जो नाइन फिफ्टी के आसपास है तो इस तरह से हम इस पर ट्रेलिंग भी कर सकते हैं तो दोस्तों मेरी जो भी ये स्टॉक के ऊपर की स्टडी मैंने आपके साथ शेयर की है अब ये मेरा वीडियो आप एज हेल्प इस्तेमाल कीजिएगा और आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके साथ मर्ज करके आप आपका फर्दर डिसीजन ले सकते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे इसे आपको जरूर फायदा हुआ होगा दोस्तों अगर आपको हमारी से फायदा होता है तो sure आप हमारी को और इसी तरह कीजिए दोस्तों अभी ये, आ, हमने लाइव चार्ट पे किया है तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही थैंक यू